ये जो ट्रिक है ये आजमाई हुई और बड़ी कारिश्माई ट्रिक है। आप अगर दिन भर में इस ट्रिक को एक से दो बार करते हैं ना, आपको फायदा पहले ही दिन से दिखने लग जाएगा। टेक्निक इतनी अमेजिंग है ना कि आपको अगर मसल में पेन हो रहा है, इवन मसल्स में जो टिश्यूज हैं, इवन मैं आपको बताऊं अगर आपकी बोन्स में भी कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तब वो भी ठीक हो सकती है। इतनी अमेजिंग प्रॉब्लम है। करना क्या है कि कोई भी एक कोने वाली जगह पकड़ लो, कोई भी एक शांति वाली जगह पकड़ लो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पर जाकर आप बैठ जाओ और बस वहाँ पर जाके बैठ के खुद को रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करने का मतलब क्या है कि कुछ सोचना नहीं है, बस बॉडी शिथिल छोड़ी, रिलैक्स करो अपने आप को, कोई विचार मत आने दीजिए अपने आप को, एक मिनट शांत बैठ जाइए। उसके बाद जब आप इस फॉर्म में बैठ जाए तब आपने अपनी इनहेल और एक्सहेल को फोकस करना है। जैसे हम कहते हैं श्वास प्रश्वास, जो हमारी जो ब्रीदिंग है, जो अंदर जा रही है, जो बाहर जा रही है, उस पर फोकस करना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिसर्च हुई है कि रिसर्च में क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने क्या किया, एक वाटर तैयार किया, आर्टिफिशियल वाटर तैयार किया और उसमें ऑक्सीजन डाल दी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डाल दी और फिर उसमें उन्होंने मछलियों को डाल दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो मछलियाँ थी वो एक मिनट के अंदर मर गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक चीज़ साबित हुई कि यार पानी में ऑक्सीजन डालना ही कुछ नहीं होता, यानी कि हम जो ये वातावरण में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, ऑक्सीजन के साथ एक एनर्जी है जो हम अपने अंदर ले रहे हैं और वो एनर्जी ही है जो हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी को यू नो ऑपरेट कर रही है। तो ऑक्सीजन के साथ एक एनर्जी है और उसको उन्होंने नाम दिया वाइटल एनर्जी, समझ रहे, यानी कि ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को नाम दे दिया साइंटिस्टों ने वाइटल एनर्जी। और ये चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दी थी कि हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, उसके साथ एक एनर्जी भी हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो जब आप इनहेल कर रहे हो ना, तो आप ये फील करो कि वो जो वाइटल एनर्जी है वो एक हीलिंग पावर है, वो एक हीलिंग एनर्जी। तो आपकी जो भी मसल, इवन अगर आपकी बोन्स भी ब्रोकन हो गई, तो आप ये फील करो कि मेरी वो बोन रिकवर हो रही है, मेरी वो मसल हील हो रही है, मेरा पेन दूर होते जा रहा है। इनहेल के साथ और एक्सहेल के साथ जो भी मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स है, जो भी नेगेटिविटी है, वो दूर हो रही है। इवन अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो ना, तो आप ये फील कर सकते हैं कि मैं अंदर ले रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ तो वो हीलिंग पावर मेरे माइंड को एनर्जी दे रही है, और एक्सहेल कर रहे हैं तो मेरी वो नेगेटिविटी दूर हो रही है, मेरा स्ट्रेस, मेरी टेंशन, मेरा प्रेशर दूर हो रहा है। आप विश्वास कीजिए, आप दिन भर में इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को 2 से 3 बार करके देखिए, शांत बैठिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए और ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, 2 से 3 दिन के अंदर बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपने बिलीव करना है अपनी टेक्निक पे कि हाँ जो मैंने सोचा है, इस टेक्निक पे बिलीव करना है। आपका माइंड जितना ज़्यादा इस टेक्निक के ऊपर बिलीव कर पाएगा ना, ये टेक्निक उतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्क करेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और जब आपको ये फील हो ना, तो यहाँ पे आके मुझे नीचे कमेंट करो, ताकि और दूसरे लोग भी उस कमेंट्स को पढ़ के मोटिवेट हों और इस टेक्निक को अप्लाई करके देखें।